वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर आपको एम एस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस किए जाते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं आज अपने वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल इंस्ट ऑफ राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में तो सेंट्रल इंस्ट ऑफ राजस्थान के द्वारा यहाँ पर ओपन राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए यहाँ पर पेमेंट की लिंक भी उपलब्ध इनके द्वारा करा दी गई है और यहाँ पे ओपन राउंड की जो काउंसलिंग है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है ओपन राउंड एडमिशन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड अकेडमी फी लिंक इनके द्वारा अवेलेबल करा दी गई है मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ क्या प्रोसेस रहने वाली है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस टू रजिस्टर कैंडिडेट ओपन राउंड ये यहाँ पे होने वाला है यानी कि ओपन काउंसलिंग यहाँ पे होने वाली है देर आर सम सीट अवेलेबल इन डिफरेंट प्रोग्राम विच आर बींग ओपन फॉर एडमिशन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पे काफी सारी सीटों पे भी वैकेंसी अवेलेबल है काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे वेकेंट है द लिस्ट ऑफ वेकेंट सीट इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट प्रोग्राम वाइज वहाँ पे जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो अवेलेबल है मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा दोस्त कैंडिडेट हुए रजिस्टर्ड दम सेल बाई पेइंग रुपीज़ वन थाउजेंड and were unable to secure admission in any program are given the opportunity to deposit the fee for the program for which he she is applying in order to preference given by her जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की फी है वो यहाँ पे पे कर रखी है और उन्हें यहाँ पे अभी तक एडमिशन नहीं मिला है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उनके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जिस डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन लेना है जिस प्रोग्राम में उनको एडमिशन लेना है यदि वहाँ पर वैकेंट सीट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको उस प्रोग्राम की फ़ी यहाँ पर पे, पे करनी होगी आपको प्रोग्राम की फ़ी यहाँ पर डिपोज़िट करनी होगी बैलेंस अमाउंट इफ एनी मे बी डिपोजिट एज पर प्रोग्राम फॉर विच एडमिशन यदि आपको बाद में सीट मिलेगी तो जो अमाउंट होगा वो आपके, आपके प्रोग्राम के लिए एडजस्ट वहां पर कर दिया जाएगा कैंडिडेट में डिपोजिट द फी यूजिंग द लिंक लिंक यहां पर अवेलेबल करा दी गई है मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एडमिशन विल भी गिवन एज पर द मेरिट बेस्ट ऑन द प्रिफरेंस गिवन जितने कैंडिडेट आप अप्लाई करेंगे उसमें मेरिट बेस्ड यहां पर एडमिशन किया जाएगा ठीक है इनकेस द स्टूडेंट इज नॉट गेट एडमिशन द फी विल be रिफंडेड आप यहाँ पे जो प्रोग्राम फी डिपोजिट करोगे यदि आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है तो उसे यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा जो लास्ट डेट यहाँ पे फी सबमिशन की वो 21 दिसंबर 2021 हजार यहाँ पे रहने वाली है ठीक है तो 21 दिसंबर 2021 तक आपके पास यहाँ पे टाइम आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डू नॉट डिपोजिट द फी दैम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस और जो कैंडिडेट यहाँ पे फी डिपोजिट नहीं करेंगे उन्हें एडमिशन प्रोसेस से यहाँ पे हटा दिया जाएगा तो ओपन राउंड की काउंसिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है जिनको अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उन्हें यहाँ पे फी को डिपॉजिट करना होगा लिंक वेबसाइट पे अवेलेबल है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है एक बार पहले आप वैकेंसी जरूर देख लेगा जिस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसके बाद जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल